वीरेंद्र सिंह। पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वे बीजेपी के सबसे बड़े जाट नेता हैं। बीजेपी ने उनके परिवार को रसूख देने में कोई कोर कसर नहीं रखी। जहां वीरेंद्र सिंह को पहले मोदी जी ने अपनी सरकार में मंत्री बनाया, वहीं उसके बाद उनकी पत्नी को विधायक बनाया और अब उनके सांसद बेटे बृजेंद्र सिंह हैं। एक ही परिवार में तीन तीन पद देने का काम बीजेपी ने नहीं किया, लेकिन वीरेंद्र सिंह के ऊपर मेहरबानी इसलिए हुई क्योंकि सर छोटू राम के दोहते होने के नाते बीजेपी को यह उम्मीद थी कि वीरेंद्र सिंह के सहारे वह उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ हरियाणा में भी जाट वोटरों पर बड़ी पकड़ बनाने का काम करेगी। लेकिन वीरेंद्र सिंह बीजेपी की कसौटी पर खरा नहीं उतरे, इसलिए बीजेपी ने भी उनको डाउन कर दिया। वीरेंद्र सिंह इस बात से खफा हैं कि बीजेपी में उनको वो चौधर नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। आदमपुर के उपचुनाव में वीरेंद्र सिंह एक बार भी नहीं आए। वीरेंद्र सिंह बगावती तेवर दिखा रहे हैं और अपने समर्थकों की मीटिंग करके अगली प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। लगता है कि वीरेंद्र सिंह अगले मार्च में बीजेपी को अलविदा कह देंगे। बीजेपी के साथ रहते हुए भी वीरेंद्र सिंह ने इस बार पार्टी के साथ विश्वासघात किया। उपचुनाव में पार्टी के प्रचार के लिए नहीं आकर वीरेंद्र सिंह ने पार्टी को आंख दिखाने का काम किया।